हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ हरे मटर को कैसे लंबे समय तक फ्रेश और ताज़ा स्टोर करने का तरीका। इस वीडियो में बताऊंगी। तो हरे मटर पूरे सीजन में नहीं मिल पाती, तो अभी विंटर सीजन है तो सब्जी मार्केट में आसानी से मिल जाती है। एक बॉल में मैंने हरे मटर के दाने अलग करके निकाले है। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और इसमें हम पानी डाल के इसे हमें बॉइल करना है। पानी को जैसे ही बॉइल आता है हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू लो करना है और इसमें डालना है 2 टीस्पून शुगर। शुगर से जो मटर का कलर है वो एज इट इज रहता है। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक से मटर को अच्छा टेस्ट आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक स्पून से। नमक और शुगर अच्छे से डिसॉल्व होने के बाद इसमें हम डालेंगे हमने क्लीन किए हुए मटर के दाने। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप देख सकते हैं अभी मटर तले में नीचे बैठ गई है। थोड़ी देर में ही 4 से 5 मिनट के बाद मटर ऊपर तैरने लगेगी। तो जैसे ही सारी मटर ऊपर आती है तुरंत हमें गैस बंद कर देना है। सारी मटर ऊपर आ गई है, तुरंत हमें गैस बंद कर देना है और इसे निकाल के ठंडे पानी में जिसमें हमने बर्फ डाला है उसमें ये मटर डालेंगे ताकि जो मटर की कुकिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम सारी मटर इन दोनों बाउल में निकाल लेंगे। ये अच्छे से ठंडे होने के बाद ही इसका जो पानी है इसे हमें स्ट्रेन करके लेना है। अब मैंने यहाँ पे नीचे न्यूज़पेपर रखा है और ऊपर कपड़ा रखा है ताकि जो न्यूज़पेपर है वो पानी एब्जॉर्ब कर सके। मटर अच्छे से ठंडे होने के बाद इसी के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। इसे हमें फैन के नीचे 1 से 2 घंटे के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ना है ताकि जो मटर का सारा पानी सूख जाए। सारा पानी सूखने के बाद ही इसे हमें पैक करना है, अदरवाइज जो मटर है उसे फंगस लग सकता है। तो ऐसे ही स्प्रेड करके हमें रखना है 1 से 2 घंटे के लिए। जब तक कि मटर का पानी सूखता नहीं तब तक हमें इसे ऐसे ही रखना है। 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं मटर अच्छी तरीके से सूख गए हैं, एकदम ड्राई हो गए हैं। तो इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मटर का कलर कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसे जिपलॉक बैग में स्टोर करेंगे। तो इस तरीके की जिपलॉक बैग आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। आप चाहे तो एयरटाइट कंटेनर में भी इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे जिपलॉक बैग में मटर को स्टोर करके रखूंगी। इसे हमें फ्रीजर में रखना है, जहाँ पे आइस जमती है ना वहीं पे इसे रखना है। फ्रीज में बिल्कुल भी मत रखें। अगर फ्रीज में रखेंगे 2 से 3 महीने में ही ये जो मटर है वो खराब हो सकती है। तो आप इसे फ्रीजर में ही रखिए। जब आपको पुलाव या सब्जी बनानी है तो आधे घंटे पहले इसे निकालें और यूज करें, फिर आप इसे लॉक करके फिर से फ्रीजर में स्टोर करके रखें। ये सालों साल टिकता है, बिल्कुल भी खराब नहीं होता। तो आप भी इसी तरीके से मटर को स्टोर करके सालों साल रख के यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होता और जो कलर है वो वैसा ही रहता है। और अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।